दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है, झूठा और एक नंबर का परिवाद है ये छोटा पप्पू। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है। छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है। कंगना रनौत ने मनाली में जब आज भाषण दिया तो विक्रमादित्य सिंह पर भारी पड़ती नजर आई। अब कंगना रनौत धीरे धीरे सीख रही है कि कैसे विपक्ष को जवाब देना है, कैसे किसे जवाब देना है। हिमाचल में मतदान काफी देरी से है, 2 महीने का ये समय, बाकी किसी को तो पता नहीं लेकिन कंगना रनौत को सीखने के लिए बहुत ज्यादा है। कंगना रनौत ने जो आज बातें मनाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही, उसके बाद विक्रमादित्य भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अब इसका जवाब कैसे दें। कंगना रनौत ने ना केवल बीफ खाने वाली बात पर जवाब दिया बल्कि ये भी कहा कि क्या इस चीज से कांग्रेस को दिक्कत है कि बिना अपने बाप के नाम के, बिना अपने माता के नाम के, बिना राजनीति में कोई पृष्ठभूमि होने के नाम के मैं राजनीति में आगे बढ़ रही हूं या राजनीति में आई हूं। विक्रमादित्य सिंह को छोटा पप्पू का नाम दिया। क्या कुछ कहा कंगना रनौत ने, आप सुनिए। और कंगना रनौत के तेवर भी देखिए भाषणों में जो नजर आ रहे हैं। अब आने वाले समय में और क्या क्या देखने को मिलेगा, बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आप कंगना रनौत के ये भाषण को सुनिए। इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौवास खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का परिवाद है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है। छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि आग में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूं कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूं। क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी माँ के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूं। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं। उसकी क्यों चलती है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं? मैं अपनी महिला बहनों को पूछना चाहती हूं कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, मिनिस्टर कितनी महिलाएं आपके सामने आती हैं, 2-3। आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिलाएं आपके आंखों के सामने आती हैं, 2-3। यही क्या हमारी बेटियों का भविष्य है? आज जब मैं पॉलिटिक्स में, ये पुरुष प्रधान समाज में, अगर आपके मनाली की बेटी, अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तित्व ढूंढ रही है, अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें भी हम लोगों को मिर्ची लगती है, तो ये चाहते क्या है कि हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं? आज मैं ये सब पप्पुओं को जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा।